चक्रवाती तूफान यास को लेकर पूर्णिया को हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जिले में एनडीआरएफ की टीम आ गई है जो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जिलाधिकारी राहुल कुमार ने समय से पूर्व तैयारी करने का सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। 27 मई से 30 मई तक संभावित यास चक्रवाती तूफान के मद्देनजर आंधी तूफान के दौरान सड़कों पर पेड़ मोबाइल टावर गिर सकते हैं। इसको लेकर एनडीआरएफ ने कई मशीन को मंगवाया है। इसके अलावा जिले के सभी चिकित्सा पदाधिकारी स्वास्थ्य कर्मियों को यास चक्रवर्ती तूफान से सतर्क रहने को कहा गया है ताकि उस समय तेज आंधी तूफान से जानमान क्षतिपूर्ति एवं जनजीवन को समान बनाया जा सके। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। अभी राज्य स्तर से दिनांक 27 तारीख से 30 तारीख के बीच में अलर्ट जारी हुआ है, तो अभी हम लोग सभी अंचल अधिकारियों के माध्यम से नीचे लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। खास करके जो अधिक वर्षापात से कुछ जो नुकसान हो सकता है उससे बचने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा, और सारे जो प्रशासनिक मशीनरी में जो लोग हैं उनको भी अलर्ट किया जा रहा है। यास तूफान के लिए 3 दिन से हमको लेटर आया हुआ है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, बटालियन बेहटा से, सचिवालय से, कि अपनी पूरी तैयारी कर लेना है। किसी भी प्रकार की अगर यास में अगर आपदा आती है उसे लड़ने के लिए हम तैयारी शुरू कर दिए हैं, और तकरीबन 30 तारीख तक हम अलर्ट पर रहेंगे, अपनी तैयारी जारी रखेंगे। क्या क्या व्यवस्था है आपके पास? हाँ, मोटर बोट है और पेड़ काटने की मशीन है, लोहा काटने की मशीन है, यही है। कितने मोटर बोट हैं और कितने कर्मी हैं? हमारे पास 28 कर्मी हैं, अफसर लेकर के 8 मोटर बोट है और 8 OBM है। क्या परिचय है? परिचय इंस्पेक्टर एसएन पांडे। ये है सिंगल शटर सिक्योरिटी सिस्टम जो आपके घर, दुकान और शोरूम को चोरी होने की घटनाओं से रोकता है। इसे हम शटर के निचले हिस्से में लगाते हैं। शटर को बंद करते हैं तो ये प्लंजर नीचे दब जाता है। आपके जाने के बाद अगर कोई भी अनजाना व्यक्ति इस शटर को रॉड या किसी भी तरह से तोड़ने की मदद करता है तो देख लीजिए। मान लीजिए किसी ने शटर को तोड़ने की कोशिश की तो एक ज़ोरदार सा साइलेंट बजना शुरू हो जाता है, जिसे सुनकर चोर खुद ही भाग जाता है और आपके रजिस्टर फ़ोन पर मैसेज और कॉल भी आ जाता है। आप देख सकते हैं कि एक मैसेज और ये कॉल आना शुरू हो गया जिसे आपके अलावा और कोई बंद नहीं कर सकता है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हम पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ नीचे स्क्रॉल में चल रहा है, तो आप हमें संपर्क करें और आपके घर, दुकान और शोरूम की जिम्मेदारी हम पे छोड़ें।